गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ अमृता। ये कहानी है अमृता की। अमृता जो कि राजस्थान के जोधपुर ज़िले में रहती थी लगभग 300 साल पहले, और उस गांव का नाम था खिजाड़ी। उस गांव का नाम खिजाड़ी इसलिए था क्योंकि वहां पे बहुत सारे पेड़ थे और पेड़ का नाम था खिजाड़ी, इसलिए उस गाँव का नाम खिजाड़ी पड़ा। उस गाँव के लोग पेड़ों को बहुत प्यार करते थे और वहाँ पे पेड़ और जंतु, जीव जंतु सब लोग बिना डर के रहते थे। वे लोग पेड़ को अपना दोस्त समझते थे। हर दिन हर एक बच्चे ने पेड़ को एक दोस्त बना रखा था। अमृता भी उनमें से एक थी। वो हर रोज पेड़ से कहते कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम बहुत ताकतवर हो, सुंदर हो। उनके बड़े उनको कहा करते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। एक दिन उन्होंने देखा कुछ लोग पेड़ को काटने के लिए जंगल में आए हैं। उन लोगों ने पेड़ काटने जैसे शुरू किए तो अमृता और उसके दोस्त और उसके गांव वाले सब पेड़ों से लिपट गए कि हम इन्हें काटने नहीं देंगे, चाहे हमारी जान ही चली जाए। उन लोगों ने पहले उनको धमकी दी कि तुम लोग हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हें काट देंगे। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने और उन सारे लोगों को मार दिया। जब ये बात वहाँ के राजा को पता लगी तो खुद देखने आया कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है, और वो बहुत सरप्राइज हुआ और बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि वही देख के कि वहाँ के लोगों ने पेड़ के लिए अपनी जान दे दी। और उसके बाद उसने पेड़ काटने का आदेश वापस लिया। उसके बाद उसने कहा कि आज के बाद मैं कोई भी पेड़ नहीं काटने दूंगा। तो ये इस लेसन की कहानी थी, द स्टोरी ऑफ अमृता। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू and have a nice day.